किसी बकरे से दूध की उम्मीद लगा लेना, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग से बड़े मैच में स्कोर की उम्मीद कभी ना लगाना। 270 के ऊपर ऑल आउट हो गए, क्या इनको नहीं पता डू एंड डाई मैच है? क्या इनको नहीं पता पूरा पाकिस्तान इस मैच के ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्या इनको नहीं पता कि आज जीतना लाजमी है? जीतेंगे तो कुछ होगा, जीतने के लिए रन चाहिए होते हैं, रन ये इनके लिए कोई रन नहीं है। करेंगे हमारी इज्जत बचाएंगे या वर्ल्ड कप आज ही हमारा तेल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ तबरेज़ शम्सी को देखिए, मैंने आपको बोला था ये किसी को बिठाएंगे तबरेज़ शम्सी को लाएंगे, तबरेज़ शम्सी और किशन महाराजा में कच्चा चबा जाएंगे और वही हमें खा के चले जाएंगे और वही एग्जैक्टली हुआ, वो हमें कच्चा चबा के चार विकेट तबरेज़ शम्सी लेके चले गए। बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है, साउथ अफ्रीका जिंदाबाद, साउथ अफ्रीका जीतेगा, क्या ही बात है। इंग्लिश मैन मैं तुम लोगों के साथ हूं, आई एम विद यू, प्ले वेल, बीट पाकिस्तान, दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। जलील करवा के रख दिया पूरे पाकिस्तान को। 25 करोड़ आवाम जो है इन पे उम्मीदें लगा के बैठी हुई है कि यार आज खेलेंगे, लोग मसल्ले में बैठे हुए हैं और ये जलीलों वाली हरकतें कर रहे हैं मैदान में जाके, इस तरह से बैटिंग होती है। 270 कुछ नहीं है अफ्रीका के लिए। बाबूमा ने कहा था कि ये जो बैटिंग की पिच है ये बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, इसके ऊपर पहले बैटिंग करना चाहेंगे। बाबर ने भी कहा बड़ी अच्छी विकेट नजर आ रही है, हम बैटिंग करना चाहेंगे। तो क्या किया हमारे ओपनर्स, माशाल्लाह क्या बात है इनकी। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जो मैच है, इंशाल्लाह पाकिस्तान क्वालिफाई कर देगा एयरपोर्ट के लिए, इंशाल्लाह। विराट कोहली जिंदाबाद, ये पाकिस्तानी जो मर्जी गए भाई उसे मोहब्बत करेंगे सरेआम। 40 ओवरों में, शुरू के 40 ओवरों में हमने 23 डॉट ओवर्स की डॉट बॉल खेली है, 131 डॉट बॉल्स आउट ऑफ द 240 बॉल्स। ये कौन सी क्रिकेट है, ये कौन सा माइंडसेट है, और इसमें बाबर आजम भी इंक्लूडेड है। इनको आज ही आ जाना चाहिए, अगर ये मैच हारते हैं ना इनको अगले मैच खेलने ही नहीं चाहिए। आज ही अपना बोरी बिस्तर बंद हो भाई और सीधा जो कराची एयरपोर्ट पे आके जा फेंको इनको, बाकी कोई हालत ही नहीं है इनकी। ये मैच नहीं पाकिस्तान ने जीतना है अभी। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान के हार के बाद, लगातार हार के बाद पाकिस्तान मीडिया फिर रोया। साउथ अफ्रीका के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, 270 पर ही ऑल आउट हो गए दोस्तों। अब दोस्तों पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान होगा बाहर वर्ल्ड कप से। दोस्तों पाकिस्तान से उम्मीद मत करना, बकरे से उम्मीद कर लेना कि बकरा दूध देगा, पाकिस्तान से रन बनाने की उम्मीद मत करना। पाकिस्तान भी थोड़ी उम्मीदें आई, दिल कह रहा था कि आज पाकिस्तान कोई अलग क्रिकेट खेल के दिखाएगा, टॉस भी जीते, पहले बल्लेबाजी भी की, लेकिन किया तो किया क्या, पहले से भी बुरी क्रिकेट। 46 ओवर भी नहीं है जिसको कहते हैं, 47 ओवर भी नहीं पूरे खेल सके, 50 ओवर नहीं खेल सके यार। मतलब कि आप अफ्रीका के गेंद खेल रहे हो, वो अफ्रीका जो इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक इनकी बैटिंग लाइनअप है, उस अफ्रीका के हाथों आप 50 ओवर नहीं पूरे खेल पा रहे, 50 ओवर नहीं ये लोग पूरे खेल पा रहे, मतलब कि हद हो गई है। क्या विकेट पे रुकना ही नहीं आता क्या? T20 क्रिकेट खेल खेल के ये 50 ओवर खेलना ही भूल गया, इनको 50 ओवर खेलना ही नहीं आता। सारा T20 का लड़का टीम में लेके बैठे हुए और 50 ओवर इनसे खेले नहीं जा रहे। 270 के ऊपर ऑल आउट हो गए, क्या इनको नहीं पता डू एंड डाई मैच है? क्या इनको नहीं पता पूरा पाकिस्तान इस मैच के ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्या इनको नहीं पता कि आज जीतना लाजमी है? जीतेंगे तो कुछ होगा, जीतने के लिए रन चाहिए होते हैं, रन ये इनके लिए कोई रन नहीं है। 270 कुछ नहीं है अफ्रीका के लिए। बाबूमा ने कहा था कि ये जो बैटिंग की पिच है ये बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, इसके ऊपर पहले बैटिंग करना चाहेंगे। बाबर ने भी कहा बड़ी अच्छी विकेट नजर आ रही है, हम बैटिंग करना चाहेंगे। तो क्या किया हमारे ओपनर्स, माशाल्लाह क्या बात है इनकी, इतनी विकेट ले ली। आज तबरेज़ शम्सी को भी इन्होंने 4 विकेट दे दी। मतलब ये तो पाकिस्तान टीम का हाल हुआ है कि इनकी नियत भी लग रही जीतने की, क्योंकि आज मुझे पहली दफा अपनी क्रिकेट को देखते हुए एहसास हुआ कि जो पाकिस्तानी नहीं है वो किस तरह देख पाते हैं हमारी क्रिकेट को। मुझे अपने से ज्यादा तर्स उन पे आता है जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं। देखिए हम तो पाकिस्तानी, हमने तो बचपन से पैदा होकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया है, हम तो मरते दम तक इन्हीं को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, हमारी तो मजबूरी है। मुझे लेकिन बाकी तर्स आता है कसम खुदा की उन लोगों के ऊपर जो के पाकिस्तानी नहीं है, जिनको कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से। मतलब यार एक और वही 90s की माइंड स्टक हमारा हुआ हुआ है, हम 90s से बाहर निकल ही नहीं सकते, चाहे बाबर आजम हो चाहे इमामुल हक हो। और मैच के बीच में जिस तरह ये डिफेंडिंग कैंपेन शुरू हो जाती है ना, मुझे समझ नहीं आता। हमारे ओपनिंग देखो, 15 रन नेदरलैंड, 16 रन श्रीलंका, 41 रन इंडिया। एक करेंगे हमारी इज्जत बचाएंगे या वर्ल्ड कप आज ही हमारा तेल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ तबरेज़ शम्सी को देखिए, मैंने आपको बोला था ये किसी को बिठाएंगे तबरेज़ शम्सी को लाएंगे, तबरेज़ शम्सी और किशन महाराजा में कच्चा चबा जाएंगे और वही हमें खा के चले जाएंगे और वही एग्जैक्टली हुआ, वो हमें कच्चा चबा के चार विकेट तबरेज़ शम्सी लेके चले गए। 40 ओवरों में, शुरू के 40 ओवरों में हमने 23 डॉट ओवर्स की डॉट बॉल खेली है, 131 डॉट बॉल्स आउट ऑफ द 240 बॉल्स। ये कौन सी क्रिकेट है, ये कौन सा माइंडसेट है, और इसमें बाबर आजम इंक्लूडेड है। बॉल वही मोहम्मद रिजवान, वही इश्यूज, वही प्रॉब्लम, वही 90s, वही अप्रोच। मतलब मैं अजीब सी फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान की क्रिकेट देखना, मुझे नहीं पता। हमने गिरते पड़ाते ये रन तो बना लिए हैं, अब ये रन हमारे कितने काम आएंगे, कितने काम नहीं आएंगे, इन रनों के साथ हमने करना क्या है, इस रनों के साथ हमने क्या नहीं करना। किसी बकरे से दूध की उम्मीद लगा लेना, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग से बड़े मैच में स्कोर की उम्मीद कभी ना लगाना। अभी फिर से पाकिस्तानी टीम का
वो जो बेगैरताना अंदाज है ना बैटिंग का, वो शुरू हो चुका है। इमामुल हक यार, मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी पर्ची अगर देखी है ना, वो इमामुल हक मैंने देखी है। वो शर्म का मुकाम है यार इसके लिए, जो राहुल पिंडी की फट्टा पिच में ये जो है वो ठुक 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 करके सो पे सो लगा रहा होता है, और जब बड़ा मैच आता है उसमें ऐसी घटिया बैटिंग, आउट। फिर अगर देखें तो मोहम्मद रिजवान, इसको आज आउट होने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी, हर बॉल पे कुछ न्याय ही करना था इसको, पहले बॉल पे तुम्हारा कैच छूट गया, उसके बाद थोड़ा सा रुक जा भाई, लेकिन नहीं, आज अटैकिंग खेलना है भाई, और क्योंकि मैंने तो कप्तान बनना है, और अटैकिंग खेलने के चक्कर में फिर जो है वो गंदा तीन शॉट, जो शॉट बॉल पे मारते हुए सीधा जो कीपर के हाथ में कैच, रिजवान साहब भी बाहर चलते बने। उसके बाद इफ्तिहार अहमद, अब ये अच्छी भली बैटिंग कर रहा था, 31 बॉलों पे 21 स्कोर, एक छक्का एक चौका। अभी यार 25वां ओवर है, तुम्हें क्या जरूरत है इतना गंदा शॉट खेलने की, अच्छे बल्ले जो पूरे ओवर्स पड़े हैं अभी, लेकिन नहीं, जनाब ने जो गंदा शॉट खेला वो मार के आउट है। ये इनकी हरकतें हैं भाई साहब, ये इन सारों की औकात है, और ये गेम भाई इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, ये भी ठुक ठुक करके आउट होकर चला गया। कम से कम तुम कप्तान हो, तुम तो कह रहे थे मैं वर्ल्ड कप में सबको जवाब दूंगा, और ये जवाब दिया, ये जवाब दिया, इस तरह से खेलोगे तुम वर्ल्ड कप में, डू आर डाई वाला मैच है तुम इस तरह से खेलोगे कि सारे आके भेड़ बकरियों की तरह जो आउट होकर बाहर जा रहे हो। उन्होंने आज रबाडा नहीं खिलाया, लेकिन फिर भी जो बॉलिंग उन्होंने खिलाई हुई है उसने इनका जो जनाजा निकाल दिया, इसकी बैट इनकी बैटिंग का जलील करवा के रख दिया पूरे पाकिस्तान को। 25 करोड़ आवाम जो है इन पे उम्मीदें लगा के बैठी हुई है कि यार आज खेलेंगे, लोग मसल्ले में बैठे हुए हैं और ये जलीलों वाली हरकतें कर रहे हैं मैदान में जाके, इस तरह से बैटिंग होती है, सारे कोई जो कचरा टीम उठा के भेजी हुई है, कोई जो नाम की जो वर्ल्ड क्लास बने हुए हैं, नाकाम के नकाज के दुश्मन अनाज के, बकवास किस्म की बैटिंग यार, ना पता बॉल कहां जा रहा है, कहां मारना है भाई, कोई मेरिट पे शॉट खेलने वाला ना निशानी नहीं है, सारे के सारे रेलू कट्ठे कट्ठे किए हुए हैं, अब क्या स्कोर बनाएंगे यहां पर, इनको आज ही आ जाना चाहिए, अगर ये मैच हारते हैं ना इनको अगले मैच खेलने ही नहीं चाहिए, आज ही अपना बोरी बिस्तर बांधो भाई और सीधा जो कराची एयरपोर्ट पर आके जा फेंको इनको, बाकी कोई हालत ही नहीं है इनकी, ये मैच नहीं पाकिस्तान ने जीतना है अभी। ऐसी थर्ड क्लास बैटिंग यार, पूरे पाकिस्तान को परेशान करके रख दिया इन लोगों ने, और इन्हें खुद शर्म नहीं आ रही है, मारने के बाद जाओ बड़ी बड़ी जाओ ब्लंडर्स मारते हैं, बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे, जब करने का टाइम आता है तो इनकी जो निकल जाती है। इस बैटिंग पर अब क्या मेरे पास अल्फाज नहीं बचे हुए, क्या बोलूं मैं यार, कि जाओ आप यार आज कम अज कम यार एक मैच तो जीत जाओ, आगे हार के बाहर हो जाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन यार कम अज कम ये तो बता दो यार कि तुम लोग बैटर तो हो, तुम्हें बैट पकड़ना तो आता है, शॉट मारना तो आता है, कम अज कम ये तो बता दो। तीन मैच लगातार हार चुके हो, आज के मैच में भी वही घटियापन की इंतहा कर चुके हैं, कब खेलेंगे ये मुझे कोई बता दे यार, बाबर आजम कब जो आप 50 अपने 50 बनाने के बाद जो आपके बड़ी इनिंग्स खेलेगा, अपना 50 बनाया गंदा शॉट खेला विकेट दिया टाटा बाय बाय मैं घंटे का किंगू में जा रहा हूं, ये इनकी औकात है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है, क्या लगता है पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा? टू एंड आई है पाकिस्तान की, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है, साउथ अफ्रीका जिंदाबाद, साउथ अफ्रीका जीतेगा, क्या ही बात है, इंग्लिश मैन मैं तुम लोगों के साथ हूं, आई एम विद यू, प्ले वेल बीट पाकिस्तान, दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, वी डोंट वांट देम हियर इन द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप, एंजॉय करो आप लोग जीतो, ये पाकिस्तान ये रिले बना सकते हैं, टिकटॉक बना सकते हैं, हां तुसी आंदे हो बाबर आजम ने शॉट मारी है तो लो जी रिले बन गई, और हसन अली इंज करके इंज जनरेटर चला देना रिले बन जाती है, और भाई ऑन द फील्ड कोई एग्रेशन कोई आउट कोई विकेट कोई चौके कोई छक्के कोई बाउंड्री कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं 5 विकेट एंड पे लेके 350 के बाद एग्रेशन दिखा रहा है, पता नहीं क्या कारनामा कर दिया सर, बुमराह 5 विकेट ले रहा है, इंडिया मैच जीत रहा है, और वो उनका भाई पता यार हम लोग बहाना कर रहे हैं कि वहां पे पिचेस ऐसी हैं, इंडिया का हम लोगों ने कितनी देर मजाक उड़ाया, उनके पास बॉलिंग नहीं है, उनके पास भारतीय स्पिनर है, और वो देखो उनकी बॉलिंग लाइनअप आप चेक करो, पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, सब बातों की एक बात है, अंगूर खट्टे हैं उनसे जीता नहीं जाता, वो कहते हैं बाबर आजम आएगा जी मैं मैच में जवाब दूंगा, और मैच जवाब को खुद देना है तो पहले जवाब तो दे, जो सवाल तेन पूछ रहे हैं वो कहते हैं जी मैं मैच में जवाब दूंगा, मैच ही जाना इंज करता है उठ लो।